दोस्तों अगर आप यूनियन बैंक की किसी भी ब्रांच का आईएफएससी कोड जानना चाहते हो, वो भी घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, तो किस तरीके से जानोगे, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप यूनियन बैंक की किसी भी ब्रांच का आईएफएससी कोड घर बैठे बैठे जानना चाहते हो सिर्फ अपने मोबाइल का यूज़ करके, तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से आप लोग अपने मोबाइल पर ही यूनियन बैंक की आईएफएससी कोड जान सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल शुभम YT। चलो कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले जिस वीडियो को आप देख रहे हो आपको इस पर लाइक कर देना है। इस वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। सब्सक्राइब करने के साथ इसके साइड में आपको बेल आइकन दिख रहा है, उसको ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले इस एप्लीकेशन का यूज करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आईएफएससी कोड करके प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। दोस्तों देख सकते हो कितना अच्छा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर से आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, फाइंड आईएफएससी बाय सिलेक्टिंग बैंक स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्रांच। तो इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। तो इस तरीके के वीडियो बहुत लोग सर्चिंग करते रहते हैं कि हम घर बैठे किसी का भी ब्रांच का आईएफएससी कोड कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में ले ही आया हूँ। तो दोस्तों आपको फर्स्ट में जो दिख रहा है फाइंड आईएफएससी बाय करके, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही करोगे यहाँ पर से आपको चार ऑप्शंस मिल जाते हैं, बैंक स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्रांच। तो आपको सबसे पहले बैंक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर से आप नीचे जाके यूनियन बैंक को सर्च भी कर सकते हो या फिर आप ऊपर में सर्चिंग का ऑप्शन है, आप डायरेक्टली यहाँ पर से यूनियन बैंक सर्च कर सकते हो। देख सकते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपको यहाँ पर से क्लिक कर लेना है। स्टेट है, अब आप कौन सी स्टेट में रहते हो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं छत्तीसगढ़ स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको डिस्ट्रिक्ट करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो यहाँ पर से सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाके यहाँ से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सुकमा, तो यहाँ से मैं इसे दुर्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर से ब्रांच का ऑप्शन है, अब मैं ब्रांच पे जाऊँगा। अब आपका कौन सा दुर्ग में ब्रांच है वो आपको यहाँ से चरोदा है या फिर महाराजा चौक दुर्ग है या फिर यूएलपी भिलाई है, तो यहाँ पर से आप यूएलपी भिलाई जैसे कि अब मैं हूँ, तो यहाँ पर से सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं जैसे ही सर्च पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर से ऐड आता है, 20 रुपया का उस ऐड को आपको कट कर लेना है मात्र लोएस्ट प्राइस के। तो दोस्तों यहाँ पर से मैंने एक ऐड आया उसे कट कर दिया। अब देखो दोस्तों सारा कुछ यहाँ पर से आ चुका है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आईएफएससी कोड आपको दिख रहा है UBIN 0574724, MICR है, NA है जो कि है, और स्टेट आपको छत्तीसगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग है, ब्रांच है यूएलपी भिलाई, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा है अगर आप उस बैंक से संपर्क करना चाहते हो, एड्रेस भी आपको शो कर रहा है। अब यहाँ से आप कॉपी टेक्स्ट कर सकते हो, शेयर टेक्स्ट कर सकते हो या फिर शेयर स्क्रीन कर सकते हो अगर आपको किसी को भेजना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ करोगे और घर बैठे बैठे आप यूनियन बैंक या फिर किसी भी बैंक का आराम से उसके ब्रांच से पता कर सकते हो कि आईएफएससी कोड क्या है या फिर आप एड्रेस भी पता कर सकते हो। अब चलो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको डाउनलोड करना इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि अगर मैं डाउनलोड करना सिखाता तो इसकी जो प्रक्रिया है कि कैसे इसको यूज़ करना है बहुत लोग नहीं देखते, इसलिए मैं पहले आपको सिखा दिया हूँ कि बिल्कुल सही से वर्क करता है। तो आप लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं वो सीख चुके हो, अब डाउनलोड करना है जो कि आपको 4 से 5 सेकेंड का काम है। यहाँ पर से आपको IFSC इतना लिख के आपको कोड सर्च करना है, IFSC कोड आपको सर्च करना है। आप जैसे ही करोगे यहाँ पर से बहुत सारे एप्लीकेशन आपको शो करेंगे, बट आपको यहाँ पर से 4 पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर से जो इंस्टॉल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, थर्ड नंबर का एप्लीकेशन है ये R&S एप्स, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और इसी एप्लीकेशन से मैंने आपको भी सारी प्रक्रिया बताया है। आशा करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।